प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इन दिनों G20 समिट आयोजित की जा रही है, जिसके मद्देनजर विदेशी मेहमानों के स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अमला भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। CMHO डॉक्टर BS सेतिया की माने तो समिट में आए सभी मेहमानों के स्वास्थ्य को लेकर खास प्लान तैयार किया गया है। साथ ही अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी में समिट में आए मेहमानों के स्वास्थ्य को लेकर ड्यूटी लगाई गई है। हमारी जो है टीम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ G20 के लिए हमारी BCC जहाँ कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही है वहाँ पर भी हमारी मेडिकल की टीम भी लगी, डॉक्टर्स भी लगे, कार्डियोलॉजिस्ट भी लगे और हमारी एम्बुलेंस भी उस जगह पे जो है वहाँ पर हमारी एक ALS जो लगी हो एडवांस लाइफ सेविंग वाली और भी एक BLS जो है बेसिक लाइफ सेविंग वाली हमारी जो है दो एम्बुलेंस और रहे साल हमारी ये जो 5 होटलें हैं 5 होटल में हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और उन लोगों की ड्यूटी लगी है। वहाँ पर भी हमारी जो है एक ALS और BLS दोनों एम्बुलेंस लगी हुई है और उसके पास के नज़दीक के जो भी अस्पताल हैं तो वहाँ पर जैसे रेडिसन वगैरह होटल है तो बॉम्बे अस्पताल उसको टाई अप करा हुआ है, वहाँ पर भी एक इमरजेंसी रूम और एक ICU बेड की व्यवस्था रखी है अगर इनकेस अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो। हमारा पैरामेडिकल स्टाफ वहीं पर 24x7 3 दिन के लिए रखा हुआ है तो वो ड्यूटी कर रहे हैं। गेस्ट के लिए नहीं है ये जो हॉस्पिटल जो होटल में हम लोगों को ये है कि जिस होटल में भी जैसे वाओ होटल है और रेडिसन होटल है जो भी होटल है उस होटल में हमारे पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह जो ड्यूटी रहेंगे जो 3 शिफ्ट में कर रहे हैं उनको बेसिक मेडिकल वगैरह इक्विपमेंट वगैरह दिया हुआ है, मेडिसिन दी हुई है और उसके साथ उनको एम्बुलेंस की भी वहाँ पर रहेगी होटल में और वो नज़दीक का जो भी हॉस्पिटल है उससे टाई अप करा रहा है तो वहाँ से भी उनको फ़ोन भी करेंगे, इमरजेंसी कुछ ऐसी रहेगी तो उनको तत्काल वहाँ पर हेल्थ सुविधा दी जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इन दिनों G20 समिट आयोजित की जा रही है, जिसके मद्देनजर विदेशी मेहमानों के स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अमला भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।